हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। यार हम बहुत टाइम बाद जो है ना कुछ ऐसा रोज लेकर आए। यार आपसे एक क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है? मतलब फनी हो, किस तरह की चाहिए, हमें सजेस्ट किया करो। हम लेकर आए टाइम बाद खान बाबा की लताड़ लगाई है। पाकिस्तानी हल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वाकई मतलब आपको पता है कितना बड़ा वो हल्क है और कितना बड़ा फरेबी इंसान है। अब सारा पहले वीडियो देखेंगे। ट्रिगर सर काफी टाइम बाद फिर से रोस्ट लेकर आए हैं उसका, तो काउंट करते हैं 3-2-1 आंसर। तो ये बात है कल शाम की, जब मैं यूं ही बेवजह तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के अपना बड़ा सा पेट खुजाते खुजाते इंटरनेट पर वीडियो झांड रहा था, जिंदगी एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद मैं पता नहीं क्यों ओवर एक्टिंग करने लग गया। Today, you will check how the Khan Baba, the world's strongest man, the mouth have power. Mouth have power. अच्छा मर्जी के बाद पिछला टायर है, लेकर भी नहीं इनसे देख के ले लेना, पिछला टायर नहीं है। अब वो एक एंगल नहीं बताते, ये एक एंगल नहीं बताते। एक एक करके सबको मौका मिलेगा गाली देने का। सही हम रखे सबर गुरु भाई, गाली क्यों दूंगा, देखो तो कितना पावरफुल बंदा है, मुंह से ही बाइक रोक दी हो, तुम रोक सकते हो क्या? अरे हम नहीं क्या, अरे ध्यान से देखो भाई, पूरी वीडियो में भाई ने क्लच दबा रखा है, क्लच छोड़े बिना तो बाइक वैसे ही आगे नहीं चलने वाली थी। पीछे वाला टायर ही देख लो, वो भी नहीं घूम रहा है, पकड़ा गया। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शॉट चिपकाया गया जहाँ पे दिखाया गया टायर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोज भाई ने अपने आप को अपनी वीडियो में एक्सपोज कर दिया, पीछे वाला टायर घूम ही नहीं रहा है, तो मतलब बाइक चल ही नहीं रही है टेक्निकली। बस एक्टिंग एकदम 100%। सबने टट्टी कर दी, लेकिन अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं समझ आया कि ये कौन है, तो मैं तुमको बता दूं, वो बवंडर है, वो भूचाल है, वो सुनामी है, वो तूफान है, वो भयंकर है, वो बंदर है, वो बलून गुब्बारा है, वो बड़ा ही कुछ तो है, वो है खान बाबा। से 5 साल पहले ना मैंने एक ऐसे प्राणी के ऊपर वीडियो बनाई थी जो लिटरली अपने शरीर में तकिए ठूस के ऐसा बन जाता है, उसके बाद अपने आप को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का क्लेम करता है और उसके ऊपर से इंडिया को गालियां भी देता था। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे, हम तुम्हें बंदूकों से नहीं सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। लेकिन फिर कुछ सालों के लिए बंदा कहां गायब हो गया, हु नोस, बट नाउ ही इज बैक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। बहुत ही दुर्लभ नजारा, बहुत ही बड़ी सी ईंट को लेकर तैयार है ये प्राणी, खान बाबा भी तैयार। अरे वाह, रोमन रेंज वाला सिग्नेचर पोज मार के खान बाबा तैयार ईंट तोड़ने के लिए, और एक टूटी हुई ईंट को तोड़कर खान बाबा ने ताकत का बहुत ही 2 रुपए वाला प्रदर्शन यहाँ पर करा है। पर प्रश्न तो ये है कि खान बाबा ने ईंट पर मारा तो अपनी हथेली को था, चोट उनके नकल पे लग गई, ये तो बहुत ही कमाल की साइंस है। नहीं, हाथ का सीधे वाला साइड मारा, लग पीछे वाली साइड पे गई, ये कैसे हो गया, ये कैसी साइंस है, हमारी दुनिया में तो ये वाली साइंस ऐसे वर्क नहीं करती। भाई को एयरबैग की जरूरत ही नहीं है, एयरबैग को भाई की जरूरत है। सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू फैट शेम, ये बंदा सच में अपने शरीर के अंदर कंबल गद्दे तक ये पता नहीं क्या क्या ठूस के चलता है, एंड ये भी इसने अपने आप को खुद ही एक्सपोज किया है। एक और दुर्लभ नजारा, खान बाबा और उनका छोटा भाई यहाँ पे मटर कश्ती करते हुए, और यहाँ पर दो बलून एक दूसरे से टकराए, एक बलून एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के कारण गिर गया। खान बाबा अपने छोटे भाई को वैसे ही कूटते हुए जैसे मैं अपने छोटे भाई को कूटता था बचपन में, जब मैं उसके पिज्जा रगड़ रगड़ के मुंह पे मारता था, पर ये वाली मूव ये कुछ अलग मूव है, ये मूव मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, अगली बार जरूर करूंगा। और यहाँ पर खान बाबा ने अपने छोटे भाई के वस्त्र फाड़ दिए और अंदर से निकले चद्दर कंबल तकिए। एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज, ओह माय गॉड,
क्यों दिया है? क्योंकि अगर उनका छोटा भाई तक ये कंबल गद्दे डाल के ऐसा बलून बन सकता है, तो क्या खान बाबा भी ऐसे ही बलून बना है? जी हाँ, बिग ब्रेन बजाओ I'm the world's strongest man! I'm the world's strongest man! Aeroplane dekh rahe ho? Aeroplane kheech dunga main! Ek ungli se! I'm the world's strongest man! Ye kya bana hua hai? Strongest man in the world! Yaar ise pagal kya ho raha hai? Abhi, ye kya? Ye father hai nahi hai na bhai? आपकी जैकेट तो ठीक है, आपकी चद्दर, आपका तकिया, मेरा मिकी माउस, I'm the world's strongest man. पिक के भी डाल लेता हूँ. ब्लूपर. लग रहा हूँ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. अब इधर से कैसे निकलूँ? जगह नहीं है तकिया. ओ भाई. अरे फंस गया, अटक गया पापा. अरे हेल्प करो. द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टफ स्टील, हेवी स्टील, 20 केजी स्टील, एंड नाउ आई विल ब्रेक दिस स्टील. अबे पद में निकल जाए इसका भाई. ये टट्टी ना कर दे, निकल ले जाए टट्टी ना कर दे. जिसको कम सोचता है ना गाइस वो ऐसे करता है. ये शो का मात्रों में खान बाबा गया. कम कम से इसको. अबे क्या इधर तो खान बाबा की फाइट गई भाई. मेरे को यकीन हो गया. अब मुझे 100% यकीन हो चुका है कि ये बंदा सच में मूर्ख है, क्योंकि इसको लगता है कि पूरी दुनिया में जो इसको देख रहा है वो भी मूर्ख है. भाई ने लिटरली वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेन में एक प्री कट लगा लिया था कि यहाँ से मैं खींच के आराम से तोड़ पाऊंगा. अब जब वीडियो रिकॉर्ड करनी इसने स्टार्ट करी, पहले तो एक्टिंग कर रहा है कि खींच के तोड़ दूंगा, खींच के तोड़ दूंगा, लेकिन तभी इसको रियलाइज हुआ कि एक सेकंड वो वाला कट तो यहाँ पे है ही नहीं. फिर भाई ने चेन में वीडियो में ये ऑन प्रूफ है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ढूंढ रहा है कि कहाँ गया वो पॉइंट. उसके बाद वो पॉइंट मिला जहाँ से प्री कट किया हुआ था, फिर खींच के तोड़ दिया और चिल्ला चला गया आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव. अबे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के कोई सुई मार दे तेरी हवा निकल जाएगी, गुब्बारे उड़ता फिरेगा आसमान में. चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर भी उड़, खान बाबा भी उड़, उड़ उड़ता रहूंगा मैं हूँ खान बाबा, मैं उड़ते रहूंगा. भाई रहने दो, तुम तो बस हेटर हो, बिना बात के बेचारे को फेक बोल रहे हो. अबे अकल के अंधे ये वाली वीडियो देख, यहाँ पे गिरा और इसकी बॉडी लिटरली टप्पा खा के उछली है. अबे नॉर्मल इंसान का शरीर टप्पा खा के उछल सकता है क्या, अनलेस उसने अपने शरीर में तकिए वगिए ठूस रखे हो. ऐसी दीवार को तो मैं भी गिरा दूं सच में. अबे किसी का घर होता है, ऐसी दीवार को मैं गिरा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल है. छुपे कुत्ते, आई थिंक तुम इतने स्मार्ट हो कि अपने आप समझ गए होगे कि क्या हुआ है यहाँ पे. स्टार्टिंग में ये जिस दीवार को पीट पीट के दिखा रहा है कि मैं इसको तोड़ूंगा, इसने एक्चुअली में वो वाली दीवार नहीं तोड़ी है. देखो, एक स्टार्टिंग में खिड़की है जिसके साइड में दीवार है, जिसके साइड में एक और खिड़की थी, उस खिड़की में 8-10 ईंटे रख के इसने बस गिरा दी नीचे. एंड इज लाइक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. अबे चुप, यू आर द वर्ल्ड्स डंबेस्ट मैन. तू इतना डंब है कि तेरे को लगता है कि तेरे को देखने वाला हर कोई डंब है, लेकिन हर कोई तेरी तरह डंब नहीं है, क्योंकि डंबनेस जो है वो तेरे अंदर भर रखी है, क्योंकि तू ही डंब है. और मैंने इतनी बार डंब डंब बोल दिया कि अब मैं भूल चुका हूँ कि मेन पॉइंट क्या था, तो इसका मतलब मैं भी डंब हूँ. ओ भाई साहब, इसकी वीडियोस देखते देखते डंबनेस मेरे में अंदर आ रही है. भाई पागल समझो छापरी, हमें छापरी. अबे थोर का ये थोर थोड़ी थोर ये पहले तो चिल्लाना बंद कर यार, बाद बाद में ओ करता रहता है. अबे समझ ले, थोर 2 रुपए की हट्टी है तेरी और 2,000 रुपए का चिल्लाता है. लेकिन सीरियसली क्या थोर का हथौड़ा है क्या, किसी से नहीं उठेगा, सिर्फ खान बाबा ही योग्य है इस हथौड़े को उठा पाने के. तो ठीक है, फिर थोर को हटा के खान बाबा को कास्ट कर लो मार्वल वालों. वैसे भी आजकल मूवीज तो चल रही है, तो पूरा लगा बोलते हुए मार्वल वाले आएंगे. ऐसा कैसे बोल सकता है भाई, मैं भी मार्वल फैन हूँ भाई. बचिए तो चले. ये लूज हो गया.
सच में गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से, कितना चिल्लाता है हार के। दोबारा भैया, एक सेकंड पहले रस्सी तुम्हारे मुंह से निकल के पीछे को जा रही थी, अगले ही फ्रेम में रस्सी मुंह से निकल के आगे को जा रही थी। अच्छा जी, इसको मैं एक हाथ से तोड़ूंगा। ओहो, अरे नहीं, फिर से चिल्लाना शुरू। कब्जी है अगले को, प्रेशर नहीं आ रहा है, बाथरूम में जाओ ना। कट लगा, यहाँ क्यों भाग रहा है, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, फिर नहीं, नहीं। निकल गई फाइनली, कब्जी से छुटकारा। भाई के हाथ में इनबिल्ट चेनसॉ थी, क्योंकि पत्थर देख रहे हो दो इक्वल पीसेस में स्प्लिट हो गए। मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि पत्थर ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ था, या फिर तुमने वीडियो में चार दो कट लगाए हैं, तो उसमें कब तुमने पत्थर एक्चुअली में रिप्लेस करके एक फेक पत्थर पकड़ के उसको स्प्लिट करके दिखा दिया कि तुमने बहुत ज्यादा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा, यू कीप डूइंग यू खान बाबा, यू आर समथिंग, कुछ तो हो तुम, पता नहीं क्या हो, मुझे तो नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा कॉमेंट में बताना क्या है ये। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार इसको भाई पूरे हर जगह पे थो रहे हैं देखा जाए तो भाई। यार हमारे अगर पाकिस्तान में इतना ही ट्रोल होता है गाइस, आप लोग पाकिस्तान में अगर हाँ। देखा जाए ना, ये इसके खाना तुमने चेक किया जिस तरीके से खा रहा होता है, पाकिस्तान में अगर गुर्बत अगर भूख मरी है ना तो इसकी वजह से। सही बात है, सही अबे बात है। झूठा बे, ये सारा बॉडी सूट इसने कभी अपनी छाती तक नहीं दिखाई, छाती के बाल तक इसने नहीं दिखाया आज तक किसी को। ये कौन से अपने आप को कहता है भाई, उसने ये समझता है। अच्छा, खुद ही अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप कार के खुद को ही एक्सपोज कर रहा है भाई, खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। ये इतना इसने समझा है कि मेरी ऑडियंस जितने भी लोग हैं उसी हैं, कुछ है कुछ बहुत ही पाकिस्तान में। मैं कहता इसको पाकिस्तानी खुद गालियां, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जितने ट्रोल इसको किया जाता है, हाँ। इंडिया तो कुछ करता ही नहीं, इंडिया में तो कुछ ट्रोल ही नहीं है, पाकिस्तान में, हाँ। में ये बंदा ट्रोल। अबे यार झूठा आदमी है भाई, सही बात है, सही खाता बात इस तरह गौ गौ। बीच में इसके बाद बड़े बड़े दुनिया के व्लॉगर्स भी जाते हैं, हाँ देख ले यार, काफी चलते हैं। आपका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।